प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा से सस्पेंड हुए अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी को एक दिन पहले सदन से सस्पेंड किया गया था और जब तक विशेषाधिकार हनन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। उन पर यह एक्शन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की मांग पर लिया गया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। वो संसद परिसर में इकट्ठा हुए जिसके बाद उन्होंने वहां बनी अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे चलते नजर आए। एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी जिसके बाद न केवल उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था बल्कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा में अगले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन जैसे ही स्पीकर अपनी चेयर पर बैठे कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नारायण भाई कचारे यही नहीं, कांग्रेस ने यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया जिस पर वहां भी खूब हंगामा हुआ। वहां यह मुद्दा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। यही नहीं, उन्होंने पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए सभापति से हाथ जोड़कर उनका माइक न बंद करने की गुजारिश की और फिर उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने और फिर अधीर रंजन चौधरी पर हुई कार्रवाई का जिक्र कर डाला जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और वहां भी अधीर रंजन के सस्पेंड होने के मामले पर शोरगुल होने लगा। जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबित किए जाने पर कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जिन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली जिसके बाद उग्र प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। प्रोटेस्ट तो करेंगे, अधीर चौधरी जो पीएससी चेयरमैन है उसको एक चक्रांतों के माफी सस्पेंड किया गया, लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित किए जाने के बाद से ही कांग्रेस देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है।